तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन वन अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर वन में जो रैशनल नंबर्स हैं जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो हमें पता लगाना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, इसके कुछ ही पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट्स सेम मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन में जो सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज 13/3125। अब दोस्तों इसको उतार लेते हैं 13/3125। अब 13 को हम वैसे ही उतार लेंगे और डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 to the power 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 to the power 5। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए यहां पर है 5 to the power 5। अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे 2 to the power 5 से। अब यहां पर देखिए 13 × 2 to the power 5 होगा 13 × 32। अब यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए 5 to the power 5 × 2 to the power 5 हो जाएगा 5 × 2 की होल पावर 5। अब यहां पे ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 416 और नीचे आ जाएगा 10 to the power 5। इसलिए हमने इसको 2 to the power 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि हमको नीचे 10 की पावर मिल जाए। अब यहां पर देखिए 10 to the power 5 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.00416। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। इसी मेथड से बाकी सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 17/8। अब इसमें देखिए 17/8 को हम ऐसे उतार लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 17 और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 17/2 to the power 3। अब यहां पर है डिनोमिनेटर में 2 to the power 3 और नीचे 10 की पावर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 to the power 3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 to the power 3 × 5 to the power 3। अब ऊपर 17 × 5 to the power 3 हो जाएगा 17 × 125 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 × 5 की होल पावर 3। अब ऊपर आ जाएगा 2125 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 to the power 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.125 एंड दैट इज आवर आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स सेम इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे।